दर्शक हैं, हरजीत जी ने हमें कॉल किया है हिमाचल प्रदेश से। जी स्वागत है कार्यक्रम में आपका, प्रश्न करें आप। मैडम सर जी, मेरी मम्मी जी की उम्र है 72 साल जी, उसकी डिस्क की प्रॉब्लम है जी। डिस्क की? हाँ जी सर। ठीक है, हाँ बेटा खूब मम्मी का ख्याल रखा करिए, ये काफ़ी बुरी तकलीफ है और बहुत अच्छा हुआ जो आपने शेयर कर लिया। ये ठीक हो सकती है, दो तरीके हैं, एक तो आप दवा खुद बना लें और एक दवा आप बनी बनाई ले लें, जो भी आपको आसान है। देखिए बनी बनाई दवा का नाम है कैप्सूल टी केयर, टी फॉर टाइगर, कैप्सूल टी केयर सुबह शाम दें खाने के बाद, दिन में 2 बार, नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद, बगैर चर्बी के दूध से दें, शुगर नहीं है तो जूस से दें, गरीब आदमी है तो पानी से दें। और एक रॉ मटेरियल बहुत मशहूर है लेकिन ख़बरदार उसे देख कर लेना, ये नकली भी बहुत मिलता है, गोंद स्याह यानी काला गोंद, आधा आधा ग्राम देंगे अपनी मम्मी को, तो ये 100 ग्राम भी अगर आपने ख़रीद लिया तो अपने ख़त्म होने से पहले ये बीमारी को ख़त्म कर देता है, ऐसा इसका प्रवृत्ति है जी। एक और दर्शक हैं छत्तीसगढ़ से, हमें कॉल किया है शत्रुघ्न लाल जी ने, उनसे बातचीत करते हैं। जी स्वागत है कार्यक्रम में, क्या सवाल करना चाहते हैं आप? मैं अपने बेटे के बारे पूछना चाहता हूं मैम। मेरे बेटे का नाम रवि कुमार है, 38 साल उम्र है जी। उसको क्या है कि ना किडनी का थोड़ा किडनी का प्रॉब्लम है, खून भी शरीर में बढ़ नहीं रहा है, लीवर भी थोड़ा कमजोर है, उसी के बारे में मैं। बिल्कुल हकीम साहब। हाँ देखिए, एक दवा ऐसी है जो इन तीनों रोगों पर काम करती है और उसे कहते हैं नमक जैतून, जैतून का नमक। ये आधा ग्राम या उससे कम एक गिलास पानी मिलाकर दिन में कम से कम 1 बार पिलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार पिला सकते हैं। इससे उसके लीवर का ठीक होना, गैस, एसिडिटी, कब्ज़, किडनी का ठीक होना, उसकी जो क्रिएटिनिन बढ़ जाती है, किडनी की गंदगी जो बढ़ जाती है जिसकी वजह से हमें डायलिसिस कराना पड़ता है, ये उसको कम कर देती है, गंदगी को, पेट ठीक रहता है, भूख खूब लगती है, खून खूब बनता है, और कब्ज हो, बवासीर हो, इन्फेक्शन हो, ऐसे कई तरह के मर्ज को ठीक करना इसका काम है। आप 100-200 ग्राम खरीद लें, आपके बच्चे को फायदा होना मुमकिन है जी। दलबीर जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, राजस्थान से हमें कॉल किया है, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका, सवाल कर सकते हैं आप। चलिए लगता है इनसे हमारा संपर्क टूट गया है। हकीम साहब, नसों के बारे में आपने बहुत विस्तार से जानकारी हम तक पहुंचाई है, आप हमें ये बताइए कि अगर नसों को मजबूत करना है शुरुआत से ही तो वो कैसे की जा सकती है? देखिए नसों के लिए भगवान ने ना हर चीज़ पैदा की है, जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, और जानकारी मैं शेयर करता हूँ बार बार सबसे कि नसों के लिए और स्किन के लिए एक डाइट है जी। जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए अखरोट, जो रईस हैं उनके लिए अखरोट, जो गरीब हैं उनके लिए अलसी, इन सब में फ़ायदे एक ही हैं जी। और जो मांसाहारी हैं उनके लिए मछली जी, इन तीनों में वो सब चीज़ें हैं जो नसों को ताकत देती हैं जी, जिनको जो चाहिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल इसका सेवन करना चाहिए। और दलबीर जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, स्वागत है, पूछिए अपना प्रश्न। सर नमस्कार जी। आदा सर, वजन बढ़ाने का कोई नुकसान है सर? कितनी उम्र के लोगों को बढ़ाना है? 30 ईयर। ठीक है, देखिए एक बड़ा अच्छा नुस्खा जो वजन काफ़ी तेज़ी से बढ़ाता है, बालों के लिए बहुत अच्छा है, चेहरे के लिए
इन्फेक्शन के लिए, चेहरे के मुहासों के लिए और भूख बढ़ाने के लिए। और देखिए, एक नारियल पानी तो आजकल सब जगह मिलने लगा, एक नारियल पानी लें रोज़ाना। और एक गोंद आता है, गोंद मोरिंगा सफ़ेद, सफ़ेद वाला ही लेना, गोंद मोरिंगा सफ़ेद, ये 100-200 ग्राम ख़रीद लें और इसको आप आधा ग्राम इसको पाउडर बना लें, रॉ मटेरियल लेना है आपको, पिसा पिसाया नहीं, और आधा ग्राम लेकर पाउडर बनाकर आप एक नारियल पानी मिलाकर रोज़ पी लिया करिए, आप देखेंगे कि आपको बहुत तेज़ी से फ़ायदा मुमकिन है। जी हाँ, वाकई में तो उम्मीद करते हैं कि आपको भी अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। और लगातार अपने तमाम दर्शकों तक ये जानकारी भी हम पहुंचाते रहते हैं कि हकीम साहब आपके लिए रिसर्च करते रहते हैं। आतिया हर्ब्स की अगर बात की जाए तो उसके फाउंडर हैं, प्रमोटर हैं, रिसर्चर हैं हकीम साहब, और उनकी लगातार ये कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियों को लेकर रिसर्च की जाए और उसके बाद जो हल मिलता है वो आप तक पहुंचाया जाए। एक और दर्शक हैं इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। नमस्कार जी, नाम बताएं, कहां से बोल रहे हैं आप? मैं सचिन बोल रहा हूं। जी, गाजियाबाद से। स्वागत है, सवाल करें। मेरे को आईसाइट की प्रॉब्लम है, आईसाइट भी है, उससे कुछ जॉय मिल नहीं क्या? कितनी उम्र है आपकी? सर 25 साल। हाँ देखिए, बड़ा अच्छा एक नुस्खा बता देता हूँ आपको, और वो आप हमेशा लिया करें, आपकी सेहत के लिए भी, आपके दिमाग के लिए भी और आपकी आंखों के लिए। जिनको भी ये परेशानी है तो उनको चाहिए कि रोज़ाना एक गिलास गाजर का जूस पिएं और इसमें गोंद मोरिंगा सफ़ेद, सफ़ेद मोरिंगा का गोंद ही लें, लाल नहीं लें, ये नकली होता है। गोंद मोरिंगा सफ़ेद आधा ग्राम मिलाकर रोज़ पी लिया करें, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। जिन लोगों को भी आँखों को की कमज़ोरी, दिमाग की कमज़ोरी या बालों की कमज़ोरी, बालों का ग्रोथ ना होना, या जिन लोगों की कद कम रह जाता है, छोटे कद के रह जाते हैं या हेल्थ नहीं बनती है, उनके लिए बहुत अच्छा नुस्खा है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जी वाकई में तो यही हम कोशिश करते हैं कि जितने भी आपके सवाल हैं उनके जवाब आप तक पहुंचाए जाएं। और ये भी आपको बता दें कि हकीम साहब इतने ज़्यादा व्यस्त रहते हैं लेकिन उसके बावजूद आपके लिए समय निकालते हैं। हिंदुस्तान के सबसे कामयाब और व्यस्ततम हकीमों में से एक हैं हकीम साहब, तो इसका फ़ायदा आपको उठाना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा हमें कॉल करनी है, आपकी कोई भी परेशानी है, कोई भी ऐसी बीमारी है जिससे काफ़ी ज़्यादा परेशान आप हो चुके हैं, तो क्या करना है? घबराना नहीं है, क्योंकि घबराहट में कई बार ये होता है कि हम सही इलाज नहीं कर पाते हैं, तो आपको हमें कॉल करना है। और इस कड़ी में एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनकी परेशानी क्या है, उनके साथ किस तरह की समस्या आ रही है, आइए जान लेते हैं। नमस्कार जी, स्वागत है, सवाल करें, नाम क्या है आपका? नमस्कार, मैं मेरे बेटा के बारे में मैं पूछना चाहती हूँ, उसका किडनी क्या है खराब हो गया है। नाम क्या है और उम्र कितनी है? रवि कुमार, उसका 48 साल उम्र है जी। और क्या बोलते हैं, दवाई ले रहा है एक देसी, तो दवाई का नाम है, एक है उमर नवा दिया इसे नाम, और एक रोज जयंती करके जी, और एक जो बाल बोलते हैं बाल है उसका पाउडर बना के ले रहा है, पेट साफ नहीं होता है करके जी। बीपी भी बढ़ जाता है उसका। देखिए, समय बहुत कम है, मैं आपको एक दवा बता देता हूँ, घरेलू नुस्खा नहीं बता पाऊँ क्योंकि समय बहुत कम है। कैप्सूल पी केयर P4 पटना, कैप्सूल पी केयर उन्हें दिन में 2 या 3 टाइम खाने के बाद देना चाहिए ताकि उनको पेट भी और उनकी किडनी भी सलामत रह सके। जी, हरी शंकर जी ने हमें कॉल किया है नोएडा से, उनकी समस्या क्या है आइए जान लेते हैं। हरी शंकर जी बताइए। मैडम जी, ये जो मुझे किडनी की है, वो किडनी के बारे में जितनों का तेल बताया इन्होंने जी, जितनों का तेल कहाँ से मिल जाएगा जी? जैतून का तेल, जितनों का तेल जी? देखिए, जैतून का तेल मैंने कभी नहीं बताया, जैतून का सिरका बताया होगा, जैतून के सिरके के लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर भी बात कर सकते हैं, वो बता देंगे कहाँ कहाँ मिलता है। एक और दर्शक है हमारे साथ, हेलो, नमस्कार जी, नाम बताएं। हेलो, नाम बताएं।
हकीम साहब का फोन लगाए जी। हकीम साहब आपको सुन रहे हैं, नाम बताएं। शंकर शेष जी, क्या परेशानी है आपके साथ? लुधियाना से जी। शंकर जी बताएं। हकीम साहब ने एक नुस्खा बताया था कलौंजी का नमक जी, मैंने इस्तेमाल किया है, वो अच्छा से फायदा होना शुरू हुआ है। कितने दिन से इस्तेमाल कर रहे हैं? सिरका भी ले सकता हूँ क्या? ठीक है ठीक है। मैंने सवा महीना लिया हूँ। किस लिए लिया था आपने? कल वो पेट की परेशानी थी बहुत सारी, तो मैं खुद ही मंगा लिया आपके उधर से, यहाँ पूछा था इधर, तो इधर मिला नहीं है। ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा किया आपने ये ले लिया, ये फ़ायदा करता, तेज़ होता है काफ़ी। और आपका सवाल है कि आप सिरका इसके साथ ले सकते हैं कि नहीं? हाँ सिरका ले सकते हैं, आप इसमें मिलाकर भी ले सकते हैं सिरका, और जिस ज़रूरत के लिए भी आप ले रहे हैं आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है अगर आप ये दोनों चीज़ें भी इस्तेमाल करें जी। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको भी अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। एक और दर्शक हैं, शशि ने हमें कॉल किया है। शशि जी स्वागत है कार्यक्रम में, प्रश्न करें आप। हाँ जी नमस्ते जी। जी आदाब शशि जी। जी हम आपको सुन पा रहे हैं, प्रश्न करें आप। मेरे ना पेजाब बहुत बनता है जी, बहुत ज्यादा बनता है, क्योंकि मैं सर्जरी हुई थी उसके बाद दवाइयां खाती हूं और उसके बाद पता तेजाब बहुत बढ़ता है, ऐसे जैसे आग जल रही है। जी जी, उम्र कितनी है आपकी? 64 जी। और कहाँ से बोल रही हैं आप? सहारनपुर से। सहारनपुर से कॉल किया है, तेजाब बनता है। हाँ जी, जी बात कराना है कि जी, जी, जी शशि जी मैं समझ गया आपका सवाल। हाँ, जी आदाब, मैं समझ गया आपका सवाल, मैंने पूरी बात सुन ली। और ऑपरेशन के बाद ऐसा होता है कि ऐसा लगता है जैसे आग सी लग रही है, क्योंकि वो दवाओं की गर्मी हमें चढ़ जाती है और वो मुद्दतों तक परेशान करती है, जिसके एवज में हमारे बॉडी में एक ऐसा एसिड बनता है जो ऊपर की तरफ आता है, और इसको शांत होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एसिड सब कुछ जला देता है, इसे तेज़ाब कहते हैं। अच्छा देखिए, मेथी तो आप जानती हैं, मेथी का दाना आपके किचन में भी होता होगा ज़रूर, महिलाओं के पास ये सब चीज़ें होती है। 500 ग्राम मेथी का दाना और 100 ग्राम आपको लेना है कलौंजी का नमक, कलौंजी का नमक या जैतून का नमक, ये दो नमक ऐसे हैं जिनकी तासीर एक जैसी है, और जो भी मिल जाए आप वो लेकर इसमें मिक्स करें, पाउडर बना लें। मेथी 500 ग्राम होनी चाहिए, 100 ग्राम नमक कलौंजी या नमक जैतून। अब इसको आप एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम, आधा आधा चम्मच भी ले सकते हैं, आपकी जो कैपेसिटी है उस हिसाब से खाने से पहले ही ले लिया करिए, आप देखेंगे कि आपको पहले दिन से फ़ायदा शुरू हुआ और इसके ख़त्म होते होते आपको का रोग मुक्त होना मुमकिन है। जी ईश्वर चंद साहू जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रायपुर से उन्होंने हमें कॉल किया है। ईश्वर जी बताइए किस प्रकार की परेशानी है आपके साथ? ये सर शुगर और वो बीपी थोड़ा गैस वगैरह परेशानी है। कितनी एक बार फिर से प्रश्न दोहरा दीजिए। हाँ शुगर और बीपी का परेशानी है सर। जी उम्र कितनी है सर? गैस एज बता दीजिए अपनी आप। 40। ठीक है। अच्छा देखिए, एक ऐसा भी रॉ मटेरियल है जो शुगर बीपी और गैस तीनों पर एक साथ काम करता है, और दवा लेते रहें लेकिन ये शुरू कर दें, 3 चम्मच जैतून का सिरका रात को सोते समय पानी में मिला कर लें, तेज़ होता है बहुत, और 3 चम्मच दिन में, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके ये तीनों रोग कंट्रोल होना मुमकिन है।